नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ एक कटोरी चावल से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनेगा। तो ये देखिए, मैंने ये लिया है एक कटोरी से, एक कटोरी थोड़ा सा खाली है, तो इसको मैं अच्छे से धो लूँगी दो तीन पानी से और इसको एक घंटा के लिए फूलने के लिए डाल दूँगी, पानी में ही छोड़ दूँगी एक घंटा के लिए। ये देखिए, मैंने दो तीन पानी से अच्छे से धो लिया है, अब इसका पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है, तो मैं अब इसे एक घंटे के लिए ढक कर के रख दूँगी। ये देखिए, चावल को मैंने डाला था फूलने के लिए, बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और एक से डेढ़ घंटा हो गया है फूलते हुए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं चावल को, यदि सुबह में नाश्ता बनाना है तो और चावल कोई भी ले सकते हैं, बासमती लें, साबुत लें, टूटा लें, कोई भी चावल ले सकते हैं, क्योंकि इसे हमें पीसना ही होता है। तो इस तरह से चावल का पानी मैंने निकाल लिया है और ये देखिए, इस तरह से डाल देंगे जार में, पानी निकाल करके मैंने जार में डाल दिया है। और यहाँ पर लिया है एक इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको हल्का सा कूट दिया है, और दो हरी मिर्च है। आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट करें, आपके बच्चे खाने वाले हैं तो आप कम डाल सकते हैं या नहीं स्किप भी कर सकते हैं, तो उसी तरह से डालें। मैं इसके बाद दही डाल दूँगी। ये देखिए, एक बाउल दही है, तो ये डाल दूँगी इसमें। एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा चावल पीस गया है और बिल्कुल बढ़िया सा पीस गया है। देखिए इस तरह से मैंने दो बार में पीसा है, क्योंकि एक बार में मेरे जार में पूरा भर रहा था, इस वजह से जो बाकी बचा है उसे भी पीस लेंगे। मैंने सारे घोल बाउल में निकाल लिए हैं। अब ये देखिए, इस तरह से पीस करके तैयार हो गया है ये, इस तरह से। ये देखिए, अब मैंने लिया है यहाँ पर सूजी। नाश्ता फ्लफी बनने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर आधी कप सूजी लिया है। इसे मिला देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से जो रवा है, सूजी बोलते हैं उसे, रवा और सूजी कई चीज़ें बोलते हैं, तो ये अच्छे से फूल जाए। अब इसे ढक करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है नारियल। ये नारियल को मैंने रख दिया था एक से डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर में रख दिया था, फ्रिज में नहीं। और देखिए, इसके बाद इसको इस तरह से मारेंगे तो छिलका इसका निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मारने से क्रैक्स आ गए और यहाँ से निकल भी गया है, तो इस तरह से इसे निकाल देंगे। ये देखिए, पूरी तरह से अलग हो गया इसको मार के। ये देखिए, फ्रिज में रखने का, ये देखिए कितना अच्छा से निकल गया। उसी तरह से इधर भी निकाल देंगे। ये देखिए, पूरा गोला निकल गया, इसमें पानी भी है, देखिए आवाज़ आ रही होगी। छिलनी की सहायता से इस तरह से छील लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरी नारियल छिल जाएगा। अब जब छिलका नहीं रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, कलर जो इसे ब्राउन आता है, ये ब्राउन कलर नहीं आएगा। फिर इसे कोई भी चीज़ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए, मैंने अच्छे से छील लिया है। अब इसका ऊपर का पोर्शन काट करके इसका पानी निकाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी भी है। ये देखिए, ये देखिए, इतना सारा पानी निकल गया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे इस तरह से। चटनी बनाना है इसलिए छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे। यदि मिठाई बनानी हो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सी का जार फिर से, और इसमें डालेंगे, ये देखिए, जो भुने वाले चने होते हैं उसका छिलका उतारा हुआ है, ये मार्केट में आराम से मिल जाता है, आसानी से हर जगह, ये डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर मूंगफली के दाने हैं भुने हुए, इसके छिलके छुड़ाए हुए हैं, ये डाल दूँगी। ये करीब करीब 5 चम्मच है, और चना दाल भी, चना का भी था वो 4 चम्मच था। और यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा था है अदरक का, और 2 हरी मिर्च है, इसे भी डाल देंगे।
और ये जो मैंने काट के रखा है नारियल का, ये डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब हम पीस लेंगे इसे। ये देखिए मैंने चटनी पीस ली है और पीस बहुत ही अच्छा पीस गया है। पीसने के बाद मैं इस बॉल में निकाल लेती हूँ। अब मैं बना रही हूँ चटनी के लिए और जो मैंने जो डो बनाया है उसके लिए तड़का बनाऊंगी। तड़का बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर तेल रखा है, एक चम्मच भर के तेल रखा है, बड़ा चम्मच। और यहाँ पर मैं डाल दूंगी राई, ये सरसों है, आपके पास यदि राई है तो राई ले लीजिए। यहाँ पर कुछ करी लीव्स है, ये ले लेंगे। इसको धो करके ये कर लिया था, पानी इसका हटा दिया था। और यदि गीला लेते हैं, पानी उसमें रहेगा तो बहुत ज़्यादा ये उड़ेगा। अब इसमें दो सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे। ये देखिए चटनी के ऊपर डाल देंगे हम ये तड़का जो बनाया है। बाकी का ये तड़का बचा हुआ है ये देखिए इसमें डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चटनी को भी मिक्स कर लेंगे। अब इस चटनी को थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पर मैंने एक देखिए यहाँ पर मैंने घी डाल करके और इस थाली को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये जो मेरा घोल है ये देखिए इस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी इनो का एक सैसे है, ये देखिए मैंने कट कर लिया है और इसे डाल देंगे। और इसे एक्टिवेट करने के लिए दो चार बूंद इस पे पानी डाल देंगे ताकि एक्टिवेट हो जाए अच्छे से। और इसको मिला देंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना होता है, उल्टी साइड में नहीं मिलाना होता है। तो इस तरह से देखिए हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखा है और इसमें पानी रख के गर्म करने के लिए रख दिया था। देखिए हमारा पानी बॉयल हो रहा है और इसमें मैंने एक कटोरी रख लिया है और ये इस तरह से थाली भी हमारा गर्म हो गया है और हमने इनो डाला है तो बस फटाफट इस पर डाल देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से डाल दिया है और इसे तुरंत ढक देंगे और 15 मिनट तक में ये पक जाना चाहिए अच्छे से। फिर 15 मिनट बाद चेक कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से ढक दिया है और 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर इसका ढक्कन हटा लेते हैं। और एक मैंने टूथपिक लिया है ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से इसके देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है, इसके मतलब तैयार हो गया है। यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फ्लफी सा बंद करके तैयार हो गया है, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको कट करूँगी और ये बहुत ही अच्छा बना है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको इसमें में आपको टेस्ट आएगा, इडली का डोसा का इस तरह से टेस्ट आएगा इसी में। और बिल्कुल झटपट बनने वाला है। आप सुबह सुबह सोचते हैं कि क्या बनाएं, बच्चों को क्या लंच में दें, इस तरह से बना करके आप दे सकते हैं। और बहुत ही आसान है बनाना और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से काट भी लेंगे इसे। ये मैंने कट कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए
देखिए इस तरह से, देखिए कितना फ्लफी बना है, देखिए इसकी जाली कितना अच्छा सा बना है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही जल्दी बनता है। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी बना करके आप ऑफिस में, लंच बॉक्स में, किसी भी चीज़ में आप दे सकते हैं। इसी तरह से सारे पीसे को निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने काट लिया है, और काट करके देखिए मैंने यहाँ पर प्लेटिंग कर दिया है, और ये हमारी चटनी है। चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इस तरह से आप जिस तरह से मैंने बनाया है उस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होगा और सभी को बहुत पसंद आएगा। आप ऑफिस में भी इसे खाने को दे सकते हैं, बच्चे के टिफिन में तो दे ही सकते हैं, सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही हल्का फुल्का होता है ये। आप इस चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, बहुत ही स्वाद लगेगा। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।